हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी और कैसे यूज होता है, किन किन चीज़ों में यूज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बूलियन अलजेब्रा, व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? तो बूलियन अलजेब्रा क्या होती है? बूलियन अलजेब्रा जो है गेट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, तो वो गेट के सिद्धांत पर काम करती है। बूलियन अलजेब्रा की खोज जो है जॉर्ज बूल ने की थी। ये एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और आज जो लॉजिक, जो ये सर्किट यूज होता है या कंप्यूटर्स हम लोग जो पढ़ते हैं कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ें, इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो भी जो है बूलियन अलजेब्रा पर बेस्ड है। और उसके बारे में हम, जैसे जो बूलियन अलजेब्रा है उसके बिना हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा की जो खोज थी वो जॉर्ज बूल ने की थी, ठीक है, और जॉर्ज बूल का जन्म जो है इंग्लैंड के लिंकन शायर में हुआ था 1815 में, और उनकी मृत्यु जो है 8 दिसंबर 1864 में हुई थी आयरलैंड में। और बूलियन अलजेब्रा ट्रू या फॉल्स का कॉन्सेप्ट बताता है, और डिजिटल जो लॉजिक एप्लीकेशन है वो जीरो और वन के सिद्धांत पर बूलियन अलजेब्रा काम करता है, ठीक है। और जो हमारा सर्किट, जो सर्किट्स हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो भी जीरो और वन के बेस पे काम करता है। तो बूलियन अलजेब्रा का बहुत बड़ा योगदान है, और बूलियन अलजेब्रा के बिना हम कंप्यूटर की कल्पना और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में भी काफ़ी बूलियन अलजेब्रा यूज़ किया जाता है। सेट थ्योरी जो है, सेट थ्योरी बूलियन अलजेब्रा के बिना पॉसिबल नहीं है। सेट थ्योरी का मुझे पता है कि आप सब सोच रहे होंगे सेट थ्योरी क्या होती है, तो आप लोगों ने समुच्चय सिद्धांत पढ़ा होगा, तो वो सेट थ्योरी होती है, और सेट थ्योरी की भी कल्पना हम बूलियन अलजेब्रा के बिना नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक्स में भी काफ़ी यूज है बूलियन अलजेब्रा का, सो बूलियन अलजेब्रा हम स्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं। और सर्किट क्या होता है, आइए जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में सर्किट क्या होता है, लिखा हुआ है सर्किट इज अ पाथ बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स, दो या अधिक जगहों के बीच एक पाथ होता है, अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करेंट कैन बी कैरिड, इलेक्ट्रिक करेंट करेंट को भी वो लिए हुए होता है, उसे हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं तो हमें बूलियन अलजेब्रा का सहारा लेना पड़ता है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। आइए समझते हैं कि बूलियन अलजेब्रा किस प्रकार से काम करता है और किन किन तरीकों से काम करता है। देखिए, बूलियन अलजेब्रा बिल्कुल गेट के सिद्धांत पे काम करता है। अब ये देखिए, पहला जो है इसमें एंड है, तो एंड को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ये वी, उल्टा वी टाइप का सिंबल जो है, ये जो है एंड का सिंबल है, ठीक है, और इसे कंजंक्शन कहा जाता है, कंजंक्शन, ठीक है। मैंने आपको एक्सेल में भी कुछ फॉर्मूले सिखाए हैं, तो मैंने उसे एंड से ही जोड़ा था, आपको अगर याद होगा तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। और जो है, और यहां पर इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये वी का जो सिंबल है वी टाइप का, इससे हम डिनोट करते हैं और को, ठीक है, और इसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। और प्रदर्शित करने का, इसे दिखाने का तरीका क्या है, ये है, आप देख सकते हैं इसको। नॉट क्या होता है, देखिए नॉट जो है एक प्रकार का, ये भी जो है यूज होता है इसमें बूलियन अलजेब्रा में। और नॉट जो है, जो ये देखिए, ये सिंबल यूज किया जाता है नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आइए अब देखते हैं इनके बारे में, एंड ऑपरेटर को देखते हैं। देखिए, समझते हैं ये कैसे यूज होगा और कैसे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है जीरो और यहां लिखा हुआ है जीरो, तो जीरो और जीरो को अगर हम रिजल्ट दें एंड ऑपरेटर में तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो और वन का रिजल्ट क्या आएगा, इसका भी जीरो आएगा। वन और जीरो का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और वन का रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। यानी किसी भी कंडीशन में अगर दूसरा जो हमें वैल्यू है वो हमारी जीरो है, सेकेंड वैल्यू, तो हम क्या, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। वन तभी आएगा जब दोनों वैल्यूज वन होंगी, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए, तीन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये डॉट लगाकर एक्स वाई, ये जो मैंने लिखा है ऐसे, या फिर उल्टा वी बनाकर ये वाला साइन, ठीक है, ये एंड का साइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ऑपरेटर को देखते हैं, नाम से स्पष्ट है और, ठीक है, और माने होता है या। अब देखते हैं इसको, जीरो और जीरो का रिजल्ट जीरो आएगा, जीरो और वन, यानी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो उसका रिजल्ट जो है ट्रू आएगा।
ठीक है, यहां पे देखिए 1 और 0 1, अब दोनों वैल्यूज ट्रू है तब तो ट्रू आएगा ही। रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका देख लेते हैं, ये v जैसा साइन जो है इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस लगा करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब नॉट ऑपरेटर पे आते हैं, तो नॉट ऑपरेटर देखिए ये नॉट ऑपरेटर है और सिंबल जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है ये सिंबल लगाते हैं नॉट ऑपरेटर के लिए। आइए देखते हैं, 0 1 ये दिया हुआ है और यहां पे 1 तो 0 हो जाएगा, यानी 0 को 1 बना देता है और 1 को 0 बना देता है, ये नॉट ऑपरेटर का काम है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बार लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ये डैश जो लगा करके बना हुआ है ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बूलियन अलजेब्रा आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।